बेहतर से आप लोग ये दोबारा सेटअप देखो जो इस माने किया है माशाल्लाह, ये अकेले किया है इस मेरी बहन ने, और ये जो इस माने मिरर लगाया है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज सो प्रिटी, ये देखो अच्छा लग रहा है कि ये डिजाइन मेरे हाथों के लिए बनाए, देख सकते हो। वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब, किस तबीयत है? तो मैं सुबह 10 बजे से घर से बाहर हूँ, ग्रॉसरी एंड ऑल एंड ये काम वो काम एंड ऑल दैट स्टफ। सो आई रियली डोंट वॉन्ट कि आज चांद रात हो जाए। चांसेस है 50% के आज चांद रात हो जाएगी, और चांसेस है 50% के कल चांद रात होगी। आई पर्सनली वॉन्ट कि कल चांद रात हो, बिकॉज ना मैंने हिना लगाई हुई है, ना मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ और ना मैं फिजिकली प्रिपेयर हूँ। लिटरली लाइक नो स्किन केयर की है, नथिंग, कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ मैनीक्योर करवाया हुआ है। बहुत कठिन स्थिति है, बहुत ही ज़्यादा। सो आज मैंने और इज़मा ने हिना लगानी है। आज लगाएंगे तो कल तक हिना का कलर तेज़ हो जाएगा और ईद तक और डार्क हो जाएगा, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बट अगर हम आज लगाएंगे और कल ईद होगी तो यस, और मैं कल की भी बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, आज की भी बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, सो आई रियली नीड सम रेस्ट। सो लेट्स गो होम, अभी थोड़ा और बहुत काम बाकी है। हम लोग 10 बजे से 2:51 हो गए, लाइक 3 बजने वाले, अभी भी हमें एक और जगह पर जाना है। लाइक इतनी ज़्यादा चीज़ें ना, इतना सब कुछ है। सो अलीज़े थक चुकी है और अलीज़े ने मुझसे कहा कि मम्मा आप जाके बनाएं, तो ये ग्रोसरी ईद की हो चुकी है और अभी काफ़ी सामान लेना है, गोश्त वगैरह, चिकन, और कुछ सामान आगे भी है, पीछे जगह नहीं थी तो हमने यहाँ आगे रखा है। तो इंशाल्लाह गोश्त और चिकन लेके आप लोगों से बात करते हैं। पता नहीं क्या क्या बोला है। हम चाहते हैं कि मम्मी अपना एक पर्सनल ब्लॉगिंग चैनल बनाए। मम्मी का एक पर्सनल ब्लॉगिंग चैनल क्या होना चाहिए? आयुष मॉम। गाइस, तो हम लोगों ने जो है रोज़ा वगैरह खोल लिया था, मैं घर आ गई थी, बहुत लेट आई थी, मैं आकर जो है सो गई थी। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम जो है सफाई कर रहे हैं बाहर की, हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली थी, लेकिन अगर आज चांद रात नहीं है तब भी कोई सफाई नहीं करवाई की। सब ये इज़्मा को देखो, अगर आज चांद रात नहीं है हमें तब भी सजाना है, और अगर चांद रात है तो भी सतो भी सजाना है। सो द थिंग इज़ कि हम अज्यूम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि चांद रात नहीं है आज, और अल्लाह करेगा ऐसे ही होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के इज़्मा और मैंने और मम्मी ने एक दूसरे को हिना लगानी है, ठीक है? तो इसके लिए हम पूरा सेटअप करेंगे। लाइटिंग तो आप लोग देख रहे हो, ये तो ईद के लिए ना, लेकिन इधर हम एक सेटअप लगाएंगे जहाँ बैठ के हम लोग एक दूसरे को हिना लगा सकेंगे। अभी मैं भाग रही हूँ क्योंकि मुझे स्नैक्स वगैरह और एक छोटा सा केक लेकर आना है जिसमें लिखवाना है कि चांद रात है ना, चांद रात, हाँ चांद रात। सो लेट्स गो, देखते हैं कि पागल हो गई क्या? क्यों तू क्यों 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 ऐसा क्यों? मेमोरी हो ना 2024। तो ये रही यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें और ये रहा केक, तो अभी इधर से ले लेते हैं। ओके गाइस, तो मैंने सारी चीजें ले ली और अब मैं घर जाके आप लोगों को सेटअप करके सब कुछ दिखाऊंगी, और मैं एक्साइटेड हूँ इज़्मा को केक दिखाने के लिए, क्योंकि उसे तक क्यूट सा केक मिला ना, ग्लिटर कर दिया है। सो ये कन्फर्म हो गया कि कल ईद नहीं है, सो कल चांद जाते हैं, एंड आई एम सो एक्साइटेड। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी रिलीफ मिली है ना, वरना ओ माय गॉड जल्दबाजी में सब कुछ करना पड़ता, सब कुछ होता। लोग अपने चांद रात बनाएंगे कल आसमान में चांद देखकर, लेकिन मैं आयुष को वीडियो कॉल करूंगी बिकॉज मेरा चांद तो नेपाल में। काश ईद पर होता आयुष, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह करीम, हर चीज़ में अल्लाह ताला की मसलहत होती है। सो लेट्स गो होम, बहुत देर हो रही है यार। ओके गाइज, इस बार को मेरा रिएक्शन नोट करना है। Oh my God! बहुत खूबसूरत बना है। अभी तो और बन रहा है, मतलब अभी मैं बना ही नहीं। अरे यार बहुत प्यारा लग रहा है इज़्मा। इज़्मा केक देख, केक देख, तू केक देख प्लीज, केक देख, बैठ बैठ वहाँ, केक दिखाओ। इतना प्यारा सेटअप लग रहा है, उस वक्त तो वो मैंने उससे वो खुला हुआ था, अभी देखो कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। पर ये बहुत खूबसूरत लग रहा है इसके अंदर, पूरी तुमने जो है ना, और चूड़ियां, अरे इसमें मैं पेटल्स भी लेकर आई हूँ।
हाँ हाँ मैं दिखा दी तुम्हें, हमारी जो अपनी ना कौन सी ना, वो हम इसके ऊपर रखेंगे। सही है सही है, डंडन ये खोलो यार, खोलूं कैसे, आई से देखो देखो, ओह माय गॉड दिस इज सो प्रिटी यार, ये देखो अच्छा लग रहा है ना, मैंने उसे चांद भी बनवाया, बहुत प्यारा। मम्मी का आउटफिट, मम्मी आपका आउटफिट दिखा सकते हैं क्या? ये इश्क आए बैठे बहुत क्यूट लग रही हो मम्मी, कसम से बहुत क्यूट लग रही हो, है कसम से इसमें इतनी थी, ओ माय गॉड नाइस। अच्छा मैं पेटल्स लेकर आई, पेटल्स से आप लोग ये दोबारा सेटअप देखो जो इसमें ने किया है माशाल्लाह, ये अकेले किया है इस मेरी बहन ने, और ये जो इसमें ने मिरर लगाया है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ये देखो बहुत प्यारा लग रहा है, और ये देखो ये देखो ये एक एक चीज देखो आप लोग यहाँ से, वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें स्पीकर भी लेकर आओ यार बाहर, स्पीकर भी लेकर आएंगे और भी लेकर आएंगे, शीशा भी लेकर आएंगे, ये इसमें पेटल्स देख लो तुम प्लीज, इसके ऊपर पेटल्स सजाएंगे हम लोग, और हम देखो देख तो लो, कितने क्यूट लग रहे, पता है एक 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 टहनी आठ धर्म की थी, माय गॉड बहुत महंगा आई हुई है यार, बहुत महंगा आई हुई है, बहुत महंगा आई हुई है इसमें, शुक्र यार चांद नहीं दिखा यार, अभी दिख सकता है, हो गई हूँ रेडी, और अब हम जा रहे हैं इस्मा को लेने के लिए, मतलब अब उसके रूम में, क्योंकि वरना लेट हो जाएगा, हमें हिना लगानी है और मैंने नेल्स भी लगा लिए, लग रहा इसमें जो है, और मैंने मैचिंग के ये भी पहने, कड़ी भी पहने, मैं आप लोगों को अपना पूरा ड्रेस दिखाती हूँ, ये मुझे जो है दीदी से आया था, तो आप लोगों को पूरा ड्रेस दिखाती हूँ, वेट मॉम को बोलती हूँ, मॉम दिखाएंगी, ये कोई गिरेगा मुझे लगता है इससे, पता है इस सीट से कोई गिरेगा, ऐसे लग रहा है हुंडा चला रहा है। इसमा आ चुकी है वहाँ, और इसमा ने ये बलोची टाइप ऑफ ड्रेस पहना है, नॉट बलोची बट दैट द डिजाइन ओवर ऑन हर, लाइक वो जो आप देख रहे हो ये अरबी औरतें पहनती हैं, तो इस पे चांद वगैरह बना हुआ है, एंड यू लुक सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह ब्यूटीफुल, सो मैं इधर जो है वीडियोस पिक्चर्स ले रही हूँ, और हवा चल रही है क्यों यो, इसमें का फोटो शूट चल रहा है, तो पहले मैं हिना लगाऊंगी, और मैं यहाँ पे स्नैक्स वगैरह लेने के लिए आई हूँ क्योंकि भूख लग रही है यार, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, एनर्जी होगी तो उनको हिना लगाएंगे ना, तो सबसे पहले मैं हिना लगाऊंगी, उसके बाद इस्मा को लगाऊंगी एंड देन हमें ये खत्म भी करना है, बिकॉज फिर रात देर हो जाएगी, तो फिर हमने सहरी के लिए हाथ जो है ना पानी में यूज करने में तो कुछ फायदा नहीं होगा, सो यप दिखाओ दिखाओ मुझे दिखाओ मम्मी हिना, ओए ओए हिना, और वो रहा आपका चांद, कहाँ है चांद, बोरा मम्मा मेरा चांद तो नेपाल में, ये तो मसनू चांद है यार, ये कोई चांद होता है, ये चांद है, है इसमें चांद, इंस्टा देखो और सर्च करो आयुष सिंह ठकुरी, सॉरी विनोद सिंह ठकुरी विनोद, सो ये देखें ये हमारी कोन्स हैं, ये अभी फ्रीज हुई हैं, ये नॉर्मल हो जाएंगी यहीं पे ही रखते, और हम जो है मैं स्नैक्स वगैरह, भूख किसको लगी, आपको लगी, आपको लगी, और जो खाना बनाया वो कौन खाएगा, खा लेंगे वो भी खा लेंगे, ओके मैं लेकर आई, सो गाइस आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि अगर आप लोगों को चाय बनानी नहीं आती तो आपने क्या करना है, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, और ये वीडियोस मेरी वो फुअड़ औरतों के लिए, फुअड़ औरतें मतलब फुअड़ बहने मेरी तरह, ठीक है, तो अगर आपसे आपका खाविन बोले या आपके घर वाले बोले कि जरा 3 कप चाय तो बना के लेकर आना, तो आपने अपने नियरेस्ट कैफेटेरिया से कॉल करना है, उनको छुपके से उनको बोलना है जल्दी से 3 चाय लेकर आओ, और उनको लिविंग रूम में बिठा के रखना, किचन में लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और फिर जब वो लेकर आ जाए तो आपने एक एक करके इसको ऐसे करके खोलना है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, रुको नहीं ये देखो ऐसे कर देना है, मेक श्योर ये जो कचरा है ये आप ऐसे साइड पे करो, रुको मैं आपको बताऊँ, और फिर आपने काफ़ी चलाकी और बारीकी से ये
ट्रे सजानी है, ठीक है। ये ट्रे के साथ साथ आप इनको स्नैक्स भी देकर इनका मुंह बंद करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी सास है तो वो पता लगा लेगी, पता है हर कोई मेरी सास की तरह भूल ही नहीं होता, और मेरी सास तो कसम से मुझे अप्रिशिएट ही करेंगी इस चीज के लिए, बिकॉज शी नोज मी वेरी वेल। सो यप, अगर आप लोगों की सास खुर्राट है तो आप लोगों को और केयरफुल रहना होगा। मैं बताती हूँ कैसे। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो कचरे की थैली होती है ना, ये कचरे की थैली में आप लोगों ने ये जो आप लोगों ने कांड किया है, आप लोगों ने ये सबूत मिटाने हैं, ठीक है। ये आपने सबूत इस तरीके से मिटाने, एक सबूत मतलब ये सबूत भी रहना नहीं चाहिए, ठीक है। ये भी सबूत रहना नहीं चाहिए, आपने इसको मिटाना है, आपने इसको पकड़ना है, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। सो गाइस, उसके बाद आपने अपने घर से बाहर निकलना है, ठीक है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट में एक जगह होती है जहाँ पे आप कचरा फेंक सकते हो ना, तो आपने जो है ना, ये जो भाई साहब है ना, भाई साहब इनको जो है ना आपने ये मिट गए सबूत, ठीक है। अब आप पे कोई शक नहीं कर सकता, ना आपकी सास ना आपका खावंद। इस तरीके से आप एक खूबसूरत वाइफ होने के साथ साथ एक सुघड़ वाइफ भी कहलाएंगी, देखा आपने। सो अब हम कुछ खाते हैं यार, भूख लग रही है। सो गाइस, हम लोग फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा जो डिजाइन है वो ये है, ठीक है। और इधर का जो डिजाइन है वो अभी तक मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो सरप्राइज है। वो मैंने इस्मा को समझाया है कि मुझे किस तरीके से चाहिए, तो इस्मा कर दूंगी, अच्छे से कर दूंगी। गाइस, मैंने इधर का डिजाइन पहले कोई और था, लेकिन अब मैंने कोई और कर लिया, बिकॉज इस्मा भी लाइक यार तुम क्यों इतने मिनिमल डिजाइन चूज करती हो, कम ऑन हैवी डिजाइन लगाओ। तब से ठीक है, सो लेट्स गेट हैवी, देखो इसका, लड़कियां हंसेंगी। सो अभी मेरी बारी है, फिर इस्मा की बारी है। सो देखते हैं, पहले हम हाथ करेंगे, पहले बाद में। 11:48 हो रही है, देखते हैं इस्मा मेरे चारों साइड्स कितने टाइम में लगा कर। मैं टाइम लूंगी, बट इंशाल्लाह ये मुझे अच्छे से करना है। ओके ओके ओके, चलो सही है। इतनी प्यारी लगा रही है इस्मा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें मुझे अच्छी लग रही है। ये देखना, एक हाथ में बहुत सफाई से लगा रही है और अभी दूसरे हाथ में पहले ही मुझको देख रहा है। हाँ, देखो खुद जो इंसान खुद करता है ना, वो दूसरों पे लगाता है। ओ देखो फोटोग्राफर, मम्मा कॉपीराइट लग जाएगा। क्या गल है, तेरा मिलना ही मेरी चांद रात होगी, इश्क वाले पे अपनी बात होगी, अंबर में तारे, तो अंबर में तारे मम्मी ऐसे दिखाते हैं, तारे जमीन पे लग। मेरा एक हाथ पे हिना लग गई है और ये बहुत प्यारी लगाई है इस्मा ने। देखो आप लोग, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। अगर आप लोगों ने भी हिना नहीं लगाई तो आपके हिना का इंस्पिरेशन डिजाइन ले सकते हो। मुझे बहुत प्यारी लगी और अब मैं एक्साइटेड हूँ दूसरे हाथ के लिए भी। और इधर की तो ओ माय गॉड, इतना प्यारा डिजाइन मैंने खुद क्रिएट करके इस्मा को बताया। आई होप इस्मा बहुत अच्छे से लगाएगी। सो इसके बाद मैं इस्मा की स्टार्ट करूंगी, मैं तो जल्दी लगा दूंगी। इस्मा बस मुझसे ना वो होती है कि मैं नखरे करती हूँ ना थोड़े थोड़े, तो इस्मा बस इसलिए जो है ना आराम आराम से करती है। लेकिन इस्मा ने बहुत खूबसूरत लगाई है, बहुत खूबसूरत से, बहुत से लगाई है, देखो माशा। ओके गाइस, तो मेरी हिना लग चुकी है और इस्मा ने बहुत दिल से लगाई है। आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में इस्मा के लिए बहुत प्यार से लिखना है। ओके, देखो कितनी प्यारी लिख रही है यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये डिजाइन मेरे हाथों के लिए बनाए। देख सकते हो आप लोग, अगर आप लोगों की इंस्पिरेशन चाहिए तो ये पिक्चर स्क्रीनशॉट कर लो गाइस। मेरी लड़कियां अगर देख रही हैं तो स्क्रीनशॉट कर लेना, बहुत इजी, कोई भी हिना आर्टिस्ट लगा देंगे। इतनी सफाई से लगाई है मेरी बहन की तरह। हाँ, अब इधर का रहता है, इसको ये वाला ड्राई हो चुका है, ये वाला ड्राई नहीं हुआ है, ये दोस्तों खराब भी कर दिया था मैंने। हाँ, वापस बना दिया। लेकिन हाँ, अब इसके बाद हम जो है इस्मा की करेंगे। पहले हम मेरी यहाँ पे रहती है और इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया ये सरप्राइज है, तो जस्ट वेट फॉर इट, हम आएंगे सून। थैंक यू सो मच इस्मा, आई लव इट। थैंक यू गाइज, मैं अपना आप दिखाऊँ आप लोगों को, लिटरली नोबडी मी, अजीब ही दिख रही हूँ मैं। She is taking like वो मेरी pictures भी। हाँ, मुंह घुसाया हुआ है मैंने। Okay, so guys, अब बस हम लोग। Guys, मेरा thumbnail भी इज्मा ने लिया है यार। हाँ, मैंने लिया है। Okay. So guys, मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए, और इस्मा ने इतना प्यारा लगा। ये सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट वो किया था और ये हमने पिक्चर नहीं देखी है। सो कैसा लग रहा है यार, यार, oh my God, मतलब लुकिंग ब्यूटीफुल। सो इधर मैंने आयुष लिखा है और इधर ऑफ कोर्स आयुष आएगा, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक यू नो ट्विन करेगा, लेकिन इधर आयुष है, दिस इज फॉर यू ऑल, और इधर आयुष फॉर माय बेबी। सो यार कैसा लग रहा है मुझे बताना, देखो ऐसे करके भी दिखाओ। बहुत बेहतर लग रहा है, मतलब लेकिन हम लोगों ने ऐसे लिया है बिकॉज ऑडियंस को तो ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे दिखाओ। माशाल्लाह, अभी दूसरा आएगा ना और ज्यादा बेहतर यार, माशाल्लाह बहुत ही, अभी यहाँ से बहुत प्यार लग रहा है। ये आप इंस्पिरेशन ले सकते हो अगर आपको अपने हस्बैंड का नाम लिखवाने तो करके, क्योंकि इधर आपने हैवी कर लिया ना, इधर आप लाइट कर सकते हो। सो इस्मा का भी ऐसे ही है, अगर इस्मा इधर हैवी लगवाएगी तो इधर लाइट लगवाएगी, तो आप टिक्किया तो लगाते ही हो, टिक्किया तो बहुत ही, टिक्किया बहुत ओल्ड हो गई, मंडला बहुत, तो आप
तरीके से ना एस्थेटिक वो लगा सकते हैं. आजकल एस्थेटिक डिजाइन बहुत चल रहे हैं, सो यू नो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो गाइस. और ये बचपन में हम लोग ड्रॉ किया करते थे वही फूल है यार. अभी हम लोग बस दूसरा वाला करेंगे, फिर एपिका हो जाएगा, फिर मेरा होगा, फिर एपिका के पाँव पर आएंगे हम लोग इंशाल्लाह. Yes, my hair is almost done and you can see, देखो कितनी प्यारी लग रही है. अल्लाह माशाल्लाह की आयुष के. आयुष देखो कैसी लग रही है, बताओ कैसी लग रही है. मौजू लग रही है मोटू. वाह, क्योंकि आयुष सो चुका है वरना हम बता देते उसको. और मेरे हाथ पे हिना भी लगी हुई तो मैं इससे बात नहीं कर सकती. तो ये गाइस देख सकते हो आप लोग, ये रही मेरी फुल हिना. ठीक है, अब हम इसमा ने मेरी कितने 315 पे कर दिए मेरी क्या बोलते हैं हिना कंप्लीट. अब हम सहरी करेंगे, उसके बाद इसमा की स्टार्ट करेंगे. हाँ. और मुझे लगता है हम सुबह हो जाएगी हमको, मतलब 9 बजने वाले हैं, 8-9 बजने वाले. इट्स ओके, लेकिन मैं बहुत जल्दी लगा दूंगी. आप लोग टाइम नोट करना इसमा. अब इसमा अब इसमा की वो होगी भाई, मैंने बहुत डिटेल लगाई है. हाँ, टाइम अब इसमा जो है ना, अब आपने जो है ना इसमा का व्लॉग देखना है. ठीक है, और आपने अब आपको डिटेल्स जो है ना जिस तरीके से मैं बताऊंगी आपको किस टाइम पे स्टार्ट किया, किस टाइम पे खाता मैं नॉल, आप लोग जाके इसमा का व्लॉग मस्त देखना आप जाकर. सो अब हम करेंगे क्या बोलते हो सहरी. सो मैं अपना व्लॉग यहीं पे ही खत्म करती हूँ. आई सी गाइस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट व्लॉग. कल का व्लॉग बहुत स्पेशल आएगा, मैंने कुछ स्पेशल सोचा हुआ है करने के लिए. आई होप आप लोग देखोगे. आई सी गाइस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट व्लॉग. अब जो है मतलब चांद रात हो गई है, कल चांद रात है, तो हम चांद रात स्पेशल व्लॉग आएगा और वीडियोस पिक्चर्स आएंगी. कल मैंने बहुत स्पैम करना है इंस्टा पे, टिकटॉक पे. मेरी जनता ने जो है ना बहुत एक्टिव रहना है. ठीक है, सो या Love you all. Let's go 700K करते. बाकी see you guys inshallah in the next vlog. Bye.